हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 14 मार्च को शाम के 7 बजे से। और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां आपको इस मुकाबले की फैंटेसी टीम मिलेगी, उसके अलावा भी आपको दुनिया भर के बहुत सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलती रहती है। वहां पे आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लेना है। और क्रिकेट के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफ़ी अच्छा मैदान है बैटिंग करने के लिए, बाउंड्रीज भी इतनी लंबी नहीं होने वाली। हालांकि तेज़ गेंदबाजों को हेल्प मिलता है इस मैदान पे, पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेज ही करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में, जो कि ऑलरेडी सीरीज़ को अपने नाम कर चुका है। और इस मुकाबले के अंदर जीत के ये टीम अपने क्लीन स्वीप को पूरा करना चाहेगी। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ बल्लेबाजी के बारे में, तो इनके दोनों बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। शे होप ने पहले मुकाबले के अंदर सेंचुरी मारी, दूसरे में हाफ सेंचुरी मारी, बहुत ही कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं शे होप। उसके अलावा इवन लुइस भी काफी अग्रेसिव खेल रहे हैं, इन्होंने पहले मुकाबले के अंदर हाफ सेंचुरी मारी और दूसरे में सेंचुरी मारी। तो दोनों के दोनों बल्लेबाज काफी शानदार खेल रहे हैं और इनके अलावा किसी को बल्लेबाजी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस पूरी टीम में। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो जेसन मोहम्मद कुल 5 विकेट निकाल चुके इस टीम के लिए। मोहम्मद की गेंदबाजी काफी शानदार है, उसके अलावा वो नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जेसन होल्डर एक काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है इस टीम के पास में, उनको भी 3 विकेट मिले हैं। उसके अलावा वो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। और अल्जारी जोसेफ भी 3 विकेट निकाल चुके वेस्ट इंडीज की टीम के लिए। तो वापस से वेस्ट इंडीज के पास से काफी सेटल्ड स्क्वाड है, जरूर से ये टीम मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहेगा। तो वेस्ट इंडीज के लिए ओपन करेंगे शे होप और इवन लुइस, नंबर 3 पे डेरेन ब्रावो, नंबर 4 पे जेसन मोहम्मद, नंबर 5 पे निकोलस पूरन, नंबर 6 पे कारेन पोलार्ड, फिर फेबिन एलन, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, आपके अल्जारी जोसेफ और आकिल हुसैन, जरूर से ये टीम इस मुकाबले के अंदर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं श्रीलंका की टीम के बारे में, जो कि काफी खराब खेला है इस पूरी सीरीज के अंदर और यहां वो रेस्पेक्ट के लिए खेलने वाला है। गेंदबाजी बहुत ही खराब रही है इस टीम की। वनिंदु हसारंगा T20 में काफी शानदार खेले, पर वनडे में अब तक उनको एक भी विकेट नहीं मिला है। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी करी हसारंगा ने, नुवन प्रदीप ने पिछले मुकाबले के अंदर 2 विकेट निकाले, पर उनकी इकोनॉमी काफी खराब रह रही है टीम के, उनको इकोनॉमी सुधारनी पड़ेगी। पर दुश्मनता चमीरा ने अच्छी गेंदबाजी करी है, वो फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर भी। बल्लेबाजी में धनुष गुनाथिल्ला का बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, 2 मुकाबले में 2 हाफ सेंचुरी मारी है और पिछले मुकाबले के अंदर वो सेंचुरी मिस कर गए। गुनाथिल्ला का फॉर्म काफी जबरदस्त चल रहा है इस टीम के लिए। और दिनेश चांडीमल ने भी पिछले मुकाबले में काफी अच्छी पारी खेली, वो भी अपना अच्छे फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज वापस से घर जा चुके हैं, वो बाकी सीरीज का पार्ट नहीं होने वाले। उम्मीद करते दाशुन शनाका ये मुकाबला खेलेंगे, दाशुन शनाका का क्वारंटीन पूरा हो चुका है, यहां वो अवेलेबल होने वाले हैं। और दिमुथ करुणरत्ने के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली है। तो श्रीलंका के पास रेस्पेक्ट वाला मैच होगा इस मुकाबले के अंदर। एक बदलाव हो सकता है इस मुकाबले में, आपको दशुन शनका खेलते हुए देख सकते हैं। तो श्रीलंका के लिए ओपन करेंगे दिमुथ करुणरत्ने और धनुष गुनाथिल्ला का, नंबर 3 पे पथुम निसंका, नंबर 4 पे ओसादा फर्नांडो, नंबर 5 पे दिनेश चांडीमल, नंबर 6 पे दशुन शनका, नंबर 7 पे थिसारा परेरा, फिर वनिंदु हसरंगा, लक्षण संदक्कर, नुवन प्रदीप और दुश्मनता चमीरा। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ ये मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी वेस्ट इंडीज, वो टीम होगी श्रीलंका, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। तो मेरे हिसाब से पलड़ा भारी रहेगा इस मुकाबले के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम का, उनके पास एक काफी शानदार स्क्वाड है, जरूर से इस मुकाबले को जीतकर वो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।